इन दिनों अफगानिस्तान में तालिबान पर भीषण हमले फिर से शुरू हो गए हैं। ये हमले अफगानिस्तान में एनआरएफ के द्वारा किया जा रहा है। एनआरएफ यानी कि नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट, जिसे पंजशीर के शेरों द्वारा बनाया गया है, वो अफगानिस्तान की आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं और इसलिए वो लगातार तालिबान पर हमले कर रहे हैं। नए हुए हमले में 4 तालिबानी आतंकवादियों के मारे जाने का उनकी ओर से दावा किया गया है। 1-2 नहीं बल्कि 3-3 गुरिल्ला हमले 25 जुलाई 2023 को राष्ट्रीय प्रतिरोध मोर्चा ने किया है। जिन इलाकों में यह हमला हुआ है वो इलाके नूरिस्तान, लगमान और नंगरहार प्रांत हैं, जहां 3 गुरिल्ला हमले हुए और इसमें 3 तालिबानी आतंकवादियों के मारे जाने की खबर है। वहीं बताया जा रहा है कि 4th व्यक्ति इसमें घायल हो गया। पहले हमले की खबर आई सुबह 6 बजे, जो नूरिस्तान प्रांत के पश्चिम में दीगल इलाके में हुई, जहां नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट बलों ने 2 तालिबानी आतंकवादियों को मारकर ढेर कर दिया। दूसरा हमला लगमान प्रांत के 4 बाग इलाके में हुआ, इसमें 1 तालिबानी आतंकी और मारा गया। इसके अलावा तीसरा हमला नंगरहार प्रांत के दाराए नूर जिले में किया गया, इसमें 1 तालिबानी आतंकी घायल हो गया। 1 दुश्मन रेंजर पिकअप ट्रक भी इसमें बर्बाद हो गया। नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट का कहना है कि देश को आतंकवादी और भाड़े के गुट तालिबान के कब्जे से आजाद कराने के लिए वो देश के अलग अलग हिस्सों में संगठित हमले कर रहे हैं। इसके पहले भी काबुल, परवान, कपीसा, बगलान, तखर, बदखशा प्रांतों में राष्ट्रीय प्रतिरोध मोर्चा ने दुश्मनों के खिलाफ हमले किए थे। इन सभी में से दुश्मन हताहत हुए और एनआरएफ के स्वतंत्रता सेनानियों को दावा है कि कोई नुकसान नहीं हुआ। कुल मिलाकर एक तरफ तालिबान जहां आईएस खुरासन मॉड्यूल से लड़ रहा है, तो दूसरी तरफ अब एनआरएफ की तरफ से गोरिल्ला हमले तेज हो गए हैं। ये गोरिल्ला हमले तालिबान का बड़ा नुकसान कर रहे हैं। एक तरफ जहां तालिबान ये दावा कर रहा है कि अफगानिस्तान में अब धीरे धीरे दुनिया के तमाम देश आकर इन्वेस्टमेंट की तैयारी कर रहे हैं, वहीं अब लगातार ये तेज होते हमले ये बता रहे हैं कि तालिबान की मुश्किलें कम होने की जगह लगातार बढ़ती जा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।